हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है और उसकी कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, जो पुरानी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। पहली प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट आई, अथवा इसका मतलब यह है डिवाइडेड डिफरेंस इज सिमेट्री फंक्शन ऑफ दियर आर्गूमेंट्स। यानी कि हमारे पास कोई डिवाइडेड डिफरेंस होगा वो हमारे जो उसका क्रम होगा उसके उससे इंडिपेंडेंट होगा, उस पर हमारे पास डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे हम फ्रेंड्स प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं, तो लेट एफ एक्स का जो डिवाइडेड डिफरेंस है, लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो ये फर्स्ट जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा x0 एंड x1, ये निकालते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, f(x1 - f(x0) अपॉन x1 - x0। या इसमें दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, नीचे से माइनस कॉमन ले लें, तो इसको लिख सकते हैं हम f(x0 - f(x1) अपॉन x0 - x1। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, f(x1 - x0) ये लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने देखा कि इसके जो भी वेरिएबल है उसका क्रम कुछ भी हो हम उसको लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा f(x0), यहाँ इसी को लिखना चाहें तो f(x1) अपॉन x1 - x0 माइनस, अगर यहाँ से हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा f(x0), और ये x1 - x0 आएगा, अगर माइनस कॉमन ले तो ये प्लस हो जाएगा और x0 - x1 ये हो जाएगा फ्रेंड्स। या फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमने इसकी हेल्प से लिखा है, और इसकी हेल्प से लिखना चाहे तो ये हो जाएगा f(x0) अपॉन x0 - x1 प्लस f(x1) अपॉन x1 - x0 x1 - x0। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसका क्रम चेंज हो गया, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू थी वो सेम रहेगी, ये हो गया। अब फ्रेंड्स नाउ 4x=x1, x2 and x3, या तीन के लिए लेने हैं तो हम यहाँ पे x0 ले लेते हैं, x0, x1, x2। यहाँ इसके लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास f(x0, x1, x2) ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास f(x2, x1) - f(x1, x0) या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हम दे चुके हैं क्रम चेंज नहीं होता इससे, तो क्रम चेंज करके x1, x2 लिख सकते हैं इसको, और इसको 0, 1 कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें किससे हम पहले देख चुके हैं कि क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता अपॉन, ये हो जाएगा x2 - x0, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स f(x1, x2) - x0 - f(x0, x1) - x0। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम 1 अपॉन x2 - x0 कॉमन ले लिया हमने, और कॉमन लेके हमने f(x1) और x2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो f(x1) और x2 की वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसकी इसके अकॉर्डिंग आएगी जो आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं हम तो ये हो जाएगा f(x2 - f(x1) - f(x1) - f(x0) / x1 - x0, ये हो जाएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये तो 1 अपॉन x2 - x0 रहेगा ही बाहर,
अंदर का जो एलसीएम आया वो एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स जीरो आ गया। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का डिवाइड किया तो ये हो गया एक्स वन माइनस एक्स जीरो मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। तो इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एक्स वन एफ एक्स वन, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इस पर एक्स जीरो से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का यहाँ पे माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होता है माइनस एफ एक्स टू, यहाँ माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, साथ में यहाँ पे एक्स जीरो आएगा, यहाँ पे एक्स जीरो, यहाँ पे भी एक्स जीरो एफ एक्स वन। अब इधर हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, सॉरी माइनस, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। तो ये एक्स टू का पहले मल्टीप्लाई करें तो एक्स टू एफ एक्स वन, और आगे जो टर्म आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे हैं टर्म्स को। तो एक्स टू ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स टू, सॉरी एक्स, हाँ एक्स टू एफ एक्स जीरो। अब एक्स वन का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स वन एफ एक्स वन एंड माइनस माइनस एंड माइनस, तीन मल्टीप्लाई तो माइनस रहेगा और ये हो जाएगा एक्स वन एफ एक्स जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स जीरो कहाँ कहाँ पर है। एफ एक्स जीरो यहाँ पर है लास्ट में, अपने पास यहाँ पे आ रहा है एक्स जीरो यहाँ पे आ रहा है, तो हमने एफ एक्स जीरो कॉमन ले लिया तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड, यहाँ हो जाएगा पहले एफ एक्स जीरो कॉमन ले लिया तो एफ एक्स जीरो, तो उसके साथ बच गया हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन एंड डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस फ्रेंड्स, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन ये, और ये आएगा एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एंड फ्रेंड्स यहाँ ये एक्स जीरो है, ये हो जाएगा। अब प्लस, अब इस बार हमने एफ एक्स वन वाली टर्म को कॉमन ले लिया, तो एफ एक्स वन वाली टर्म कॉमन ली हमने, तो हमारे पास क्या बच गया, एफ एक्स वन वाली टर्म ली तो ये बच गया हमारे पास अंदर, यहाँ पे एक्स वन है माइनस का, यहाँ पे हमारे पास एक्स जीरो, ये तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन, और भी हमारे पास टर्म है, ये आ गया हमारे पास, ये एक्स टू प्लस है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं एक्स वन माइनस है, प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू ये वन है, ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, और डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स जीरो प्लस। इस बार हमने एफ एक्स टू वाली टर्म कॉमन ली, तो एफ एक्स टू वाली टर्म कॉमन ली हमने, तो ये बच गया हमारे पास एक्स वन माइनस, यहाँ तो एक्स वन बच गया यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन से एक्स टू माइनस एक्स वन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक्स जीरो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स जीरो माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स टू, ये हो जाएगा। इसको फिर हम दूसरी टर्म में लिख रहे हैं, दूसरे पेज में लिखते हैं, इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स टू, ये आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एफ एक्स वन वाले में हमारे पास कटेगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर जैसे हम ये करते हैं कि एफ एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स वन, तो ये कट जाएगा हमारे पास, इनको अलग अलग टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, इसका तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो एंड डिवाइडेड बाई, इससे होगा पूरी टर्म से, और यहाँ पे होगा एफ एक्स वन, और फिर सब पहले हम इससे कर रहे हैं, तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई किया इसका और इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स जीरो माइनस एक्स वन वाली टर्म कट जाएगी ये, और ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये हो गया हमारे पास, हाँ ये हो गया, और प्लस
एफ एक्स वन, यहाँ पे इस बार इसके इससे अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू वाई टर्म, यानी कि ये कट जाएगी, एक्स वन माइनस एक्स टू वाई टर्म, तो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमने काटा है, तो एक्स वन माइनस एक्स जीरो काटना है, तो माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एंड ये हो जाएगा यहाँ से एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स जीरो। अब फ्रेंड्स लास्ट वाली टर्म है वो अपने पास एफ एक्स टू, तो इसमें मल्टीप्ली ये एक्स वन माइनस एक्स जीरो से एक्स वन माइनस एक्स जीरो कट गए, तो ये बच गया एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये बच गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स इसको तो हम यही लिख देते हैं, एफ एक्स जीरो को तो ये रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स जीरो माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स टू। एंड फ्रेंड्स अब यहाँ पे माइनस माइनस साइन कॉमन लेके और एफ एक्स वन कॉमन लेके, और एफ एक्स वन के साथ क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स जीरो कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से, और अंदर जो बच गया वो है हमारे पास वन अपॉन एक्स, यहाँ से एक्स टू माइनस एक्स जीरो कॉमन ले दो, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू माइन एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये बच गया प्लस, और ये हमारे पास एफ एक्स टू, ये हमारे पास यही है एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास एफ एक्स जीरो रहेगा अपॉन, इसको तो कोई चेंज ही नहीं करना हमें, एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस, अब इसमें चेंज करना है हमें, तो इसमें चेंज करने के लिए फ्रेंड्स इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एंड इसका एलसीएम लिया तो वो हो गया हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो, और इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड किया, तो एक्स वन माइनस एक्स जीरो प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन। फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं एक्स वन से एक्स वन कट जाएगा, और लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो है एक्स टू एफ एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू, यहाँ से हमें ये कट गया हमारे पास, क्यों एक्स वन से एक्स वन कट गया, अब एक्स टू माइनस एक्स जीरो बच गया, तो ये भी एक्स टू माइनस एक्स जीरो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स जीरो दोनों जगह है हमारे पास, तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स। और हम क्या कर सकते हैं साथ ही, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, एक्स वन से यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये तो है हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये हो गया प्लस एफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब फिर इसे ये सो हो गया कि जो हमारे पास फंक्शन था वो एफ एक्स जीरो एक्स वन है एक्स टू के लिए भी हमारे पास सममित है, यानी कि सिमेट्रिक फंक्शन है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि फंक्शन किसी एन के लिए हमारे पास सिमेट्रिक है, हम यहाँ पे मान लेंगे कि एन के लिए सिमेट्रिक है फंक्शन, तो उस कंडीशन में एन के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एन के लिए अब एन के लिए प्रूव करेंगे इसको, तो वो हो जाएगा एफ एक्स जीरो एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन बराबर, जो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन प्लस एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स एन प्लस, इसी तरह अगली टर्म चलते हुए जो भी एन भी टर्म होगी एफ एक्स एन बराबर होगा वो होगा एफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स वन
एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ये हो गया फ्रेंड्स जो कि हमें प्रूव करना था, क्योंकि हमारे पास एन बराबर टर्म के लिए मैथमेटिक्स इंडक्शन से आ जाएगा जो कि हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड।